मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अभी भी बस फ्रेश होके आई हूँ नहा वहा के, एंड अभी हम जाएंगे एक दूसरी जगह। यहाँ पे एक मंदिर है, मतलब यहाँ पे बहुत मंदिर है, तो वहाँ पे पूजा देने जाएंगे। तो 10 बजे मंदिर खुलता ही है, तो इसलिए हम थोड़ा लेट कर रहे हैं। और आज प्लान है कुछ मतलब ट्रेडिशनल पहन के जाने का, तो देखते हैं हाउ फार पॉसिबल होता है। तो अभी फटाफट रेडी होना है, उसके बाद निकलना है। और फास्ट रखा है अभी के लिए फ़िलहाल, आने के बाद फास्ट तोड़ूंगी, क्योंकि मतलब मम्मी ने बोला, इसलिए कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि बहुत रीज़न है, बट कोई रीज़न नहीं है, मम्मी ने बोला इसलिए। और नहाना तो हो ही गया, अब बस फटाफट रेडी होना है, और रेडी होने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि साड़ी वाड़ी पहनने में बहुत टाइम लगता है। सो लेट्स गो, रेडी हो जाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। रेडी होके निकल चुके हैं हम, एंड साड़ी पहन के थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट अच्छा लगता है, मेरा तो मतलब फेवरेट आउटफिट है साड़ी। सो अभी फ़िलहाल टोटो वोटो कुछ मिला नहीं है, देखते हैं रास्ते में आगे मिल जाएगा। थोड़ा तो पैदल चलना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि मेन रोड से थोड़ा सा अंदर है। एंड मैंने मम्मी का ये येल्लो साड़ी पहना है, बाद में दिखाती हूँ। और दीदी ने भी आज साड़ी पहना है, तो हम दोनों ने आज ट्रेडिशनल कुछ पहनने का सोचा था, तो पहन लिया। और येलो साड़ी है उसके साथ, तो जैसे नॉर्मल गोल्ड ज्वेलरी होते हैं वो सब, गोल्ड नहीं मतलब जो मणिपुरी गोल्ड है ना उन, वो क्योंकि गोल्ड पहन के बाहर आना सेफ नहीं लगता है। और यहाँ पे मम्मी फूल तोड़ रही है, मम्मी को जहाँ भी लाल वाल ये सब फूल मिल जाए ना, लाल रंग का या ब्लू कलर का, मतलब जिस भी मंदिर में जाती है वो तोड़ना शुरू कर देती है। बहुत दूर है वैसे, मिशन सक्सेसफुल। मम्मी একটু তাকাও, আমার দিকে তাকাই, দেখো সুদিকে তাকায়। मंदिर पहुंच गए हैं, पूजा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो पहले एक मिनट, तो पहले पूजा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मंदिर घुमा के दिखाऊंगी, ठीक है? मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही है, तो पहले पूजा करते हैं, उसके बाद घुमा के दिखाऊंगी। तो ये है मंदिर, सिद्धेश्वरी माँ का मंदिर, एंड यहाँ पे बहुत फेमस है। सो जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ अपने मन की जो भी विश है ज़रूर बोलना। यहाँ पे जो पंडित जी है वो बोलते हैं कि जो भी कुछ भी मतलब मांगता है सब पूरा होता है, ज़रूर मांगना। एंड इसके ठीक
अपोजिट में यहाँ पे एक शिव मंदिर बन रहा है जो अभी तक बना नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ, बट ऑलमोस्ट हो चुका है बेस तो, और फिनिशिंग करना बस इसका बाकी है। और वहाँ पे हो रहा है फोटोशूट, और वहाँ पे एक कच्चा घर है, आपको दिख रहा है ना वहाँ पे जो रूफ है, यहाँ पे रूफ थोड़ा अलग टाइप का होता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, एंड एकदम विलेजेस में जैसा होता है ना वो काउडंग केक बना के अपने घर के वॉल में लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। एंड ये रहा मंदिर का नज़ारा, और वो रहा गोलू अपना, ए था तो गोलू थोड़ा गिर गया बट ठीक है, चोट नहीं लगा, पैर धो रहे अभी, ये जगह थोड़ा सा स्लिपरी था, बेशी बदमाशी कर ले एरको में है तिरिंग बिरिंग खाली। पूजा कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से हुआ, एंड यहाँ पे पंडित जी जो थे ना वो बहुत अच्छे, तो मम्मी ने उनको बोला कि मेरा तबीयत ख़राब रहता है हमेशा, ये वो होता रहता है, अभी भी ख़राब है वो सब गुरुदारा, तो उन्होंने मतलब बोला कि मतलब आशीर्वाद वगैरह दिया, एंड बोला यहाँ पे पूजा करके जाओ सब ठीक हो जाएगा, मतलब बात सुन के अच्छा लगा। और यहाँ पे आशीर्वाद देने का स्टाइल थोड़ा अलग है, काली माँ का जो खड़गो बोलते हैं हम लोग, उससे शंख से उससे मतलब पानी डालते हैं, और पानी वो देने के साथ साथ ना मुझे पता नहीं क्यों एकदम एक झटका टाइप का फील हुआ, आई डोंट नो बाकी लोगों को हुआ कि नहीं बट मुझे हुआ, सो अच्छा लग रहा है। अभी पता नहीं ये लोग कहाँ जा रहे हैं, देखते बहुत आगे चले गए हैं, मैं और भाई अभी लास्ट है। अभी यहाँ पे सामने एक होटल है छोटा मोटा सा चाय स्टॉल टाइप, वहाँ पे कुछ खाना होगा, मिठाई विठाई, उसके बाद जाएंगे हम लोग घर। और वहाँ पे पीछे कपड़े सुखा रहे हैं लोग, वो पैंडल वैंडल का कपड़ा, वो सब बहुत बड़ा फील्ड है कि फुटबॉल फील्ड, ओ फुटबॉल फील्ड है ये पूरा, फुटबॉल फील्ड है, एंड व्यू एकदम मस्त है। यहाँ पे पैंडल वाले जो होते हैं ना उनके कपड़े सूख रहे हैं, ओपन फील्ड है बिल्कुल। और यहाँ पे मिठाई टेस्टिंग हो रहा है, क्या रुकूँ भलो सो टेस्टी, ওই যে মিষ্টির দোকানটা আছে না, এই যে বলাগর স্কুলের সামনে, এখানেই আছে ফটো আছে, ফটো मतलब हिस्ट्रिकल हिस्ट्रिकल फील होते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ये सब दरवाजे, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर हमारे वहाँ पे तो नहीं दिखता है, मेन डोर में ऐसा ऊंचा स्ट्रक्चर, अच्छा लगता है। टोटो वोटो आ चुका है, तो अभी हम जाएंगे टोटो में घर, और फिर फटाफट चेंज करना है, बहुत गर्मी लग रही है। जो धुआं निकल रहा है ना यहाँ पे मूढ़ी बनता है, पफ्ड राइस जो हम खाते है वो, ये मूढ़ी का फैक्ट्री है, ऊपर से धुआं निकल रहा है यहीं पे बनता है। अभी फिलहाल हो रहा है लंच टाइम, एंड आज जेठमुनी के हाथ का स्पेशल माछे झाल खाएंगे हम लोग, तो मैं पहले जा रही हूँ टेस्ट करने, तो टेस्ट करके देखते हैं। नून तो देख एकदम परफेक्ट है, सब कुछ पापा खे फ्लैट है, पापा खे फ्लैट है जाए तुम्हारा माछे झाल। বাবুকে লেজ দেব, পেটি না পিট পিট ওই গাদা বলে শশা রাখা না খাবে।
तो बस अभी अभी हम लोग खाना खा के मतलब ऐसे ही रेस्ट कर रहे थे, मैं गई थी वीडियो एडिट करने, तो अचानक से मम्मी ने पीछे से बुलाया, बोल रही है जल्दी आओ वो दौड़ के। मैंने पूछा क्या हो गया अचानक से, मतलब सब ठीक है। मैं फिर मैंने सोचा कि शायद पॉन्ड में कोई गिर विर गया, क्योंकि ये जगह बहुत स्लिपरी है। फिर मम्मी चिल्ला रही है कि आओ जल्दी आओ, देखो भाई ने एक मछली पकड़ा है। मतलब वो 3 दिन से पापा को और जेठी मुनी को पागल कर रही थी कि उसको मछली पकड़ना है, एंड आज फाइनली उसने किया। मतलब उसका वेट अराउंड 2 kg तो होगा ही। कातला फिश जो है वो कातला फिश है, कातला ही है शायद, कातला या रूई में से कुछ है। मतलब मतलब क्या बोलूँ, मतलब सबको अभी शॉक्ड है कि कैसे कर ले। मतलब वो बहुत पागल कर रहा था उसको मछली पकड़ना है। पापा बोल रहे कि इतने साल हो गए पापा यहाँ आते, हम तो एक दो बार ही आए पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से इतना बड़ा मछली निकले। मतलब पकड़ा है बहुत लोगों ने, बट छोटा मोटा होता है ना वो सब, और ये वाला बहुत बड़ा था। और जिससे पकड़ते हैं उसको बोर्शी बोलते हैं, तो उसको पकड़ने के चक्कर में बोर्शी टूट गया। बस यही है मतलब। और इतना एक छोटा सा भी मिला है वो ये खुद फ्राई करके खाएगा। माय गॉड, मतलब सबको सरप्राइज्ड है बिल्कुल, ये इतना सा बच्चा इतना बड़ा काम कर चुका है। अरे पोछा दे दियो बाबा, फोटो उठा, फोटो 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 ভাই নিজে ধরে ভয় লাগে বলে যা যাও তোমার ভাই কোন দিকে পাইছে ভাই, যা যা ভাই তুমি গোলুদা মাছওয়ালা। আরে ভগবান, দেখি ভাই যা না, আয় ভাই পূজার নিয়ম করতেছিস। আচ্ছা পাপা পাপা মামির একটা সামনে যাও, আয় পাপা মামির একটা সামনে যাও, যা যা পাপা লাগে দাঁড়া যা। পাতার লিগে মাছই দেখা যায় না, মাছটা পাকাম দেখো না, পাকাতে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও মাছটাকে। না না পরে টরে যেন জানা বাবা রে, তোর টান মারে ভাগ্যিস ভালো, তোর টান মেরে ফেলে নি পাপন নিয়ে বাবা। মাছ না হয়েছে
কি পাগল করছে আমার এত ও যে তুমি প্লিজ 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 বলো না প্লিজ আর দেওয়ালে পয়সা নিয়ে আসিস কি না ফুল করবো একটা ভাপা খাবো ভাপা এই মাছ ভাপা ভালো লাগবে লাগবে তো তাজা মাছ এটা ফ্রাই করে ভালো লাগবে একদম খেতে পারবে না গন্ধে আষ্টানি গন্ধে খেতে পারবে না কি বলবো ভাপা এটা চলবে না ভাপা কিন্তু একদম বাজে হয়ে যাবে তুমি খেলে খেতে কাতলা মাছ পুকুর মাছের স্বাদটা কম হয় তো হ্যাঁ কে ধরলো এটা কি মাছ এটা ছোট तो सबका मोह चुका है एंड भाई ने जो मछली पकड़ा था वो आज अभी मतलब जेठमनी ने बनाया है दोपहर को हमने स्पेशल रेसिपी माछे झाल खाया और अभी ये तो व्लॉग मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि कल बहुत इंपॉर्टेंट डे है सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना सो एवरीवन बाय बाय टाटा कल के व्लॉग को इंतजार करना बहुत स्पेशल व्लॉग है भाई